लगता है इस बॉक्स में एक भी पोर्ट नहीं है, है ना। लेकिन जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो ऑन करने के साथ सात पोर्ट गिरेगा, है ना। और क्या है, उस सात पर्ची को हम निकाल लेंगे, है ना। या जब भी करेंगे, जैसे मान लीजिए 50 को वोट डालना है, प्रत्येक को मान लीजिए सात सात डाल दिए या पांच पांच डाल दिए, 50 को डिवाइड कर लेंगे कैरो कैंडिडेट है उसके हिसाब से। लेकिन जितने भी है कैंडिडेट सबको वोट पड़ना चाहिए। यदि नोटा है तो नोटा को भी इंक्लूड करेंगे। कोई दिक्कत अब इसमें एक रिपोर्ट नहीं है। अब देखो तस्वीर करते गिर जाएगा। ये ग्रीन में है, ये क्या है, ग्रीन में है। यदि ये हमारा और जो है, यदि इस वे में होगा वर्टिकल वे में, तो इसका अर्थ है हमारा काम करना मशीन शुरू करेगा। और यदि ट्रांसपोर्टेशन वे में होगा तो इसका अर्थ है वो ऑफ है। ठीक, हम लोग कैसे करेंगे, और पहले कनेक्ट करेंगे, जब तीनों का कनेक्ट हो जाएगा तब पहले हम लोग क्या करेंगे, सीयू में सीयू को ऑन करेंगे, इसके बाद बीयू को ऑन करेंगे। कोई दिक्कत। अब सबसे पहले स्टेप, अगला स्टेप लिख लें कि कैसे हमको ऑन करना है ना, लिंक कैसे देंगे। पहला स्टेप हुआ बी डी और सी। दूसरा काम है जब भी हम लोग लिंक करेंगे एक दूसरे को तो वहां पर स्विच ऑफ करेंगे, और जब स्विच ऑन करेंगे तो सबसे पहले सीयू को ऑन करेंगे, इसके बाद वीवीपैट को ऑन करेंगे, और वीवीपैट को ऑन करने के साथ सात पर्ची क्या होगा, वह आपके वीवीपैट जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखाएगा या अपने आप को। जैसे अब हम लोग क्या करें, वीवीपैट अभी क्या है, ऑफ है, क्या है ये ऑफ है, और ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में होगा। कैसा होगा, तो यह है हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में। है ना,
इसलिए इसको सीधा रखना। दूसरी बात, जहां आप रखेंगे वहां का टेम्परेचर धूप नहीं आएगा, नहीं तो आपका ये गिरा आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। बीबी पैड में 100% परेशानी, एक घंटा के बाद मशीन काम करना बीबी पैड काम करना छोड़ देगा। इसलिए ठंडे जगह पर जहां धूप नहीं आएगा वहां रखना, है ना। लेकिन उसके बाद जो ड्यूटी है आप जो देंगे वहां पर रहेगा
स्कूल रहे या जो भी जिस पार्टी का सिंबल है वो जरूर रहेगा। कि देखिए आप होली के दिन को दिखाएंगे कि आपके पार्टी को आपके आपने जिस कैंडिडेट को मतदान किया है उनको मिला अथवा नहीं मिला उसका सबूत क्या है ये पर्ची है। इसके बाद क्या करेंगे इसको सील कर देंगे इसमें ब्लैक लिफाफा क्या करेंगे ब्लैक लिफाफा में इसको सील कर देंगे। सील करने के बाद इसके अंदर क्या है सीलों के अंदर क्या है कुछ कोड पड़े हुए हैं तो हमें क्या करना सीआरसी के माध्यम से वोट को नील करना। पहले सीआरसी का क्या हुआ पहला वोट सी है तो क्लोज है ना क्या करेंगे पहले क्लोज क्लियर और क्या हुआ रिजल्ट है ना तो सीआरसी करेंगे और इसके बाद टोटल बटन को दबाएंगे तो आपको जीरो वोट इसके बाद सीलिंग का प्रक्रिया कैसे करेंगे तो सीलिंग करने का तरीका हमने बता दिया कि क्या करेंगे फिर मशीन को हमने कहा कि मशीन के अंदर है ना जब भी मतदान से एक घंटा पूर्व जब आप मॉक पोल का काम शुरू करेंगे पोलिंग एजेंट आपके वहां अवेलेबल होंगे और उसके गाइडलाइन में आपको क्या कराना है मॉक पोल कराना है और जब भी आप मॉक पोल कराएंगे तो वहां पर जितने भी कैंडिडेट है सबको कम से कम एक वोट पटानी चाहिए लेकिन उसका तरीका है कम से कम 50 यदि 50 वोट के लिए मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट है तो 5-5 वोट यदि सपोज कीजिए यदि 16 है तो 3-3 वोट का हम लोग प्रत्येक कैंडिडेट को इंक्लूड नोटा ये नहीं कि हम यह देखेंगे दिखाएंगे कि आप किसी कैंडिडेट को लाइक नहीं करते हैं तो वहां पर क्या है नोटा का भी यहां पर देखिए पर्ची है 3 आपने नोटा दबाया ये भी आपके पास है। इसका अर्थ है ये पर्ची ही इस मशीन का एक तरह से सर्टिफिकेट हुआ कि कोई कहता है कि हम दबाते किसी को जा रहा वोट किसी और अब देखिए परेशानी हो सकती है हम आपको बताते हैं इसका भी तो होता है कहां कहां गिरा होगा कि कभी कभी क्या है कि बीयू के अंदर कोई बटन जो है ना दबा रहा था उसको बार बार पुश करने के बाद जो है क्या वो काम करता है और यदि नहीं कर रहा तो उसका अर्थ बीयू में कहीं कहीं गिरा है ना। हम तुरंत रिपोर्ट करेंगे आपके मान आपके जो टीम होंगे वो आएंगे और देखेंगे तुरंत चेंज कर है ना। अब हम देखेंगे यदि एरर आएगा तो एरर कितने तरह के होंगे और कहां पर हमको वीयू चेंज करना है कहां पर सीयू चेंज करना है कहां पर वीवी पैड चेंज करना है हम लोग उसके बारे में भी बताएंगे। तो अब हम क्या किए कि मॉक पोल के बाद सीआरसी के माध्यम से सीआरसी करेंगे और सीआरसी के बाद पुनः क्या करेंगे मशीन को ऑफ कर देंगे सीआरसी के बाद जब भी सीआरसी का काम होने के बाद जब भी हम लोग सीलिंग का काम करेंगे तो उस समय मशीन को ऑफ कर देंगे और सीलिंग का काम जब भी समाप्त होगा पुनः मशीन को ऑफ करेंगे और देखेंगे कि टोटल बटन दबाएंगे और देखेंगे कि वोट जीरो है कि नहीं है ना। हो सकता है आप मान लीजिए कि सी क्लोज किए क्लियर किए और रिजल्ट जो लास्ट दबाए ही नहीं तो फिर आप एरर दिखाए है ना। तो हमें क्या करना है कि फिर देखेंगे आखिर एरर कहां तो
इसके बाद क्या करेंगे, तो जब मशीन हमारा जीरो वोल्ट दिखाएगा तो वहां पर क्या करेंगे, अब काम करने के लिए मशीन तैयार, आज भर्ती का काम शुरू करेंगे। तो जो भी मॉक पोल कब होगा, सवा घंटा पहले, जो 7 बजे स्टार्ट है उसे सवा घंटा पहले हम लोग शुरू कर देंगे, है ना। तो ये काम हो गया, मशीन को जोड़ने में किसी को कोई परेशानी, जोड़ लेंगे पीछे